टर्म और हमारा इंतजार कर रही है, पहला वेपर प्रेशर, दूसरा एक्वस टेंशन और तीसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये तीनों में क्या डिफरेंस है समझिएगा। वेपर से बनने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन तो साफ है, प्रेशर जनरेट बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हम इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर जनरेट बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दूसरा पॉइंट, यानी आप ये मान के चलिए कि लिक्विड से आपके पास वेपर बन रही है, सही है? तो वेपर प्रेशर जनरेट बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास इस जगह बहुत इजी वे में मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा वेपर बनेगी ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो धीरे 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 बनती जाएगी। तो वेपर प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी, वेपर प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, वेपर प्रेशर इज वेरिएबल क्वांटिटी। अब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक समय क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम पे हम इसको क्या बोल देंगे? एक्वस टेंशन। बस, तो एक तरह से वो हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो हम उसे क्या बोलेंगे यहां पर? एक्वस टेंशन। यानी मैक्सिमम पॉसिबल कब मिलेगा? जब आपके पास इक्विलिब्रियम गेन हो चुका हो। तो इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है तो इक्विलिब्रियम साइन भी लगाना पड़ेगा और इस तरह से भी। इससे ज्यादा अब आपके पास नहीं आएगा, इससे ज्यादा अगर प्रेशर आएगा तो वो किस क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड होने लगेगा। तो एक तरह से इक्विलिब्रियम प्रेशर बोल सकते हो आप, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम प्रेशर बोल सकते हो, एक्वस टेंशन बोल सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर बोल सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा प्रेशर पर उल्टा मतलब वेपर क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड हो जाएगा। यानी आप सिंपल सा बात समझे, अगर प्रेशर की वैल्यू एक्वस टेंशन से ज्यादा है, इफ देन उस जगह क्या हो जाएगा? वेपर स्टार्ट टू कंडेंस इन लिक्विड, स्टार्ट टू कंडेंस इन लिक्विड, लिक्विड में कंडेंस होने लग जाएगा। इससे ज्यादा ला नहीं सकते। तो आपके पास पैरामीटर आ गया, इसको बढ़ा सकते हो। हां, जैसे मान लीजिए ये 1 टॉर है, 2 टॉर है, 3 टॉर है, 4 टॉर है, 10 टॉर है, 10 टॉर मैक्सिमम पॉसिबल, अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा, तो वो 10 टॉर ही आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्वस टेंशन। तो क्या एक्वस टेंशन को, ध्यान से सुनना, एक्वस टेंशन को हर जगह वेपर प्रेशर बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन बोल सकते हैं, हाँ, इक्विलिब्रियम पर। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दोनों का रेशियो, ये कम है ये ज्यादा है, को क्या बोलेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर एच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर
ऑफ एच टू ओ एंड एक्वस टेंशन इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्वस टेंशन, और परसेंटेज में बताया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से मेरे पास वेपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्वस टेंशन से तो कम ही रहेगा, एक्वस टेंशन मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय 100। ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत काम के हैं। अब बहुत आसानी से इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ क्लोज कंटेनर इज 80% एंड एक्वस टेंशन इज 30 torr, देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर, वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको ऊपर वाले फॉर्मूले को देखना है एक बार। एक्वस टेंशन कितना है आपके पास, 30, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 24 torr, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कर सकते थे आप।